वेलकम बैक टू माइक्रोप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोडाइवर्सिटी का पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बायोडाइवर्सिटी क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, लेवल्स क्या हैं ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे भी हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था। और आज के हम पार्ट में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ क्या होते हैं, रेयर स्पीशीज़ क्या होते हैं, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या हैं, रेड डाटा लिस्ट या बुक क्या है, इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। तो ये सब कुछ हम जानेंगे। ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट्स के लिए या जो कंपल्सरी कोर्स में पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस, साथ ही साथ UGC नेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है। अ स्पीशीज़ इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट, यानी कि एक स्पीशीज़ को तब एक्सटिंक्ट कहा जा सकता है जब हमने उसे ना देखा हो, कब तक पूरी दुनिया में, कब तक 50 साल में, बीते हुए 50 सालों में जब हमने कोई नहीं देखी होगा, देखी होगी कोई भी स्पीशीज़, तो हम क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। इसका एग्जांपल है डोडो और पैसेंजर पिजन। ठीक है, जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है कि जो चीता है और पिंक हैंडेड डक है, और इसी के साथ साथ जो माउंटेन क्वेल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट आती है हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं जिनका जो नंबर है, जिनकी जो उनकी संख्या है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है क्रिटिकल लेवल पर। ठीक है, एंड जिनका हैबिटेट हैव बीन डिस्टिंक्टली रिड्यूस, यानी कि जो वे जहाँ पर रहती थी वो भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इफ़ सच स्पीशीज़ इज़ नॉट प्रोटेक्टेड, अगर हम इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट ना करें या कंजर्व ना करें तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजर में है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी आने वाले टाइम पे जल्दी ही। नेक्स्ट आती है हमारी वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, स्पीशीज़ इज सेड टू बी इन वल्नरेबल कैटेगरी इफ़ इट्स पॉपुलेशन इज़ फेसिंग कंटिन्यूसली डिक्लाइन, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है लगातार। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उसके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो उसका रहने की जगह है वही क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो वो धीरे धीरे स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सच स्पीशीज इज स्टिल अबंडेंट, मतलब ये वाली अभी तो मिल रही है काफ़ी। ठीक है, बट क्या है, बहुत ही ज़्यादा थ्रेट में है, यानी कभी भी नष्ट हो सकती है, हम ये कह सकते हैं इफ़ कोजल फैक्टर आर नोट चेक्ड। ठीक है, जो अंडमान निकोबार है, सॉरी अंडमान होट शोर बैट जो होती हैं वो क्या है, वल्नरेबल स्पीशीज़ में आती हैं। नेक्स्ट आती है रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ क्या हैं, नोट एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, यानी कि ना ही तो ये एंडेंजर्ड हैं और ना ही वल्नरेबल है प्रेजेंट टाइम, बट आर एट रिस्क, आर कैटेगराइज एज रेयर स्पीशीज़। ठीक है, यानी कि रिस्क में है ये भी। दीज टेक्स आर यूजअली लोकलाइज विद इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, दे आर यूजअली एंडेमिक। ठीक है, समटाइम्स दे आर थिनली स्कैटर्ड ओवर अ मोर एक्सटेंसिव एरिया, जैसे कि गंगेज शार्क जो है वो एक रेयर स्पीशीज़ है, जो कि कहाँ पर क्या है, एक तरीके की फ्रेश वाटर शार्क है। ये कहाँ पर डेवलप होती है, जो गंगा रिवर है, गंगेज रिवर है उनमें। ठीक है, और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है किसके लिए, इसके ऑयल के लिए, यानी कि जो इससे ऑयल निकलता है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए हॉटस्पॉट क्या होता है। तो वो क्या होता है, एरिया विच एग्जिबिट हाई स्पीशीज़ रिचनेस, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या है, कोई भी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है। अब हॉटस्पॉट हम क्या, वर्ड को तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कैसे, क्योंकि आजकल आपको पता ही है मोबाइल डाटा सब यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट सब वाईफाई यूज़ करते हैं। तो कहते हैं ना कि हमें हॉटस्पॉट दे दें, यानी कि हमें इंटरनेट चला दो, तो हॉटस्पॉट जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रिक्वेंसी होगी नेट की। अब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है तो वहाँ पे क्या होगा, हाई स्पीशीज़ रिचनेस होगी। ठीक है, एज वेल एज हाई स्पीशीज़ एंडेमिज्म आर टर्म्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंट्रीज विच हैपन्स टू लाई इन दिस जोन, यानी कि जो कंट्रीज जोन में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। ठीक है, क्या बोलेंगे उन्हें, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़।
देयर पोजेज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। इनमें कौन कौन सी हैं ये जो कंट्री हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, पेरू, मलेशिया, एक्यूडर, इंडिया, ज़ेरे, मैदागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। और इससे अलग भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो किस में आती हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आती हैं। जो एन मायर्स थे उन्होंने 1988 में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था टर्म हॉटस्पॉट को, ठीक है, किसके लिए? एक ऐसे जियोग्राफिकल रीजन के लिए जो पर्टिकुलरली रिच है किसमें, एंडेमिक रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज में। जो मेयर्स से उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 12 लोकेलिटीज, यानी कि 12 ऐसे रीजन को उन्होंने जो क्या थे ट्रॉपिकल रीजन से उनको आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पे उन्होंने क्या कहा था, वर्ल्ड रिक्वायर अर्जेंट कंजर्वेशन अटेंशन, यानी कि अगर हम उन्हें कंजर्व कर लिया तो हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी उसको भी कंजर्व कर सकते हैं, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स को, जो भी फ्लोरा फ्यूना है सबको क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और इन लोकेलिटीज़ में क्या आते हैं, हवाई आइसलैंड आता है, वेस्टर्न इक्वेटर आता है, अटलांटिक फॉरेस्ट एरिया ब्राज़ील का वो आता है, ईस्टर्न हिमालयाज आते हैं, नॉर्दर्न ब्रोनियो आता है ना, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया आता है, कोलंबिया चाको है ना, अपलैंड ऑफ वेस्टर्न अमेजोन्स आते हैं, अमेजोनिया आता है सॉरी, ईस्टर्न मेगा गैस्कर आता है, पेनिसुलर मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, न्यू कैलेडोनिया आता है। 1990 में मेयर्स ने और भी 8 रीजन को हॉटस्पॉट में आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी थी, ठीक है, इन अदर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी और रीजन्स में, ठीक है। ये क्या क्या है, कैलिफोर्निया, वेस्टर्न फ्लोरल, सेंट्रल चिले, केप फ्लोरल प्रोविंस, अफ्रीका, वेस्टर्न घाट्स, इंडिया, श्रीलंका, इवोरी कोस्ट, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न आर्क प्रोविंस, तंजानिया, ठीक है। तो ये रीजन उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। नेक्स्ट थे पढ़ेंगे हम हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। तो जो भी हॉटस्पॉट थे उनमें से जो इंडिया में है वो 3 हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज एंड इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। तो थोड़ा सा जानते हैं हम अब रेड डाटा लिस्ट के बारे में, ठीक है। क्या है ये, थ्रेटेंड स्पीशीज़ की लिस्ट होती है, 2012 की है क्योंकि ये लेटेस्ट है अभी। जो इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि IUCN, वो क्या पब्लिश करता है, रेड डाटा बुक को पब्लिश करता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है, विच इंक्लूड द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जो रिस्क में है, जो भी मतलब क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उन वाली स्पीशीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ये जो रेड डाटा बुक होती है इसमें 600 एनिमल्स एंड 25,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, विच आर एक्सटिंक्ट और फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि क्या है, या तो वे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 440 प्लांट स्पीशीज़ हैं, 150 मैमल्स हैं और 150 स्पीशीज़ बर्ड्स की हैं, और इससे अलग कुछ बहुत सारे अमाउंट में, यानी कि जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, उनको मतलब अननोन है, भी काउंट नहीं कर पाए उनको, क्या इंसेक्ट की स्पीशीज़ भी हैं जो इस कैटेगरीज में हैं एंडेंजर्ड की, ठीक है। लेटेस्ट रेड बुक लिस्ट है जो 2012 की, वो कब आई थी, Rio+20 अर्थ समिट हुआ था जो जुलाई 2012 में। हैज़ एनलिस्टेड 132 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया, इनके 132 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऐसे हैं जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, एंडेंजर कंडीशन में है इंडिया में, ठीक है। ये क्या है, कुछ रेप्टाइल्स हैं इसमें जो कि क्या हैं, घड़ियाल, ठीक है, ग्रीन सी टर्टल, टोर्टोइज और पायथन। बर्ड्स में कौन कौन से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स, पेलिकल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, साइबेरियन वाइट क्रेन। इससे अलग जो कार्निवोर्स में है वो कौन से हैं, कार्निवोर्स में इंडियन वॉल्फ, ठीक है, रेड फॉक्स, स्लोथ बियर, रेड पांडास, टाइगर, लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना,
इंडियन लॉयन, गोल्डन कैट्स, डिजर्ट कैट एंड डुगोंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में कौन से हैं? हुकलोक्स है ना, गैबियन, सॉरी गिबियन, लॉयन टेल्ड मैक्यू, नीलगिरी लंगूर है ना, कैप्ड मंकीज। और प्लांट्स में है बहुत सारी स्पीशीज ऑर्चिड की, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स की, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स की लाइक कौन कौन से, रोवोल्फा, सरपेंटीन और इसा सैंडलवुड ट्री, ठीक है, सेंटलम, कैस्केड बेडियोनी और पिचर प्लांट। ये सभी किस्में हैं? इंडिया की वो स्पीशीज़ हैं जो किस्में एंडेंजर्ड में आती हैं। इससे अलग यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं ये? लॉयन, चीता, टाइगर, वाइट लेपर्ड, वाइल्ड बफेलो, गैंग्रेटिक डॉल्फिन्स, रेड पांडास, मस्क डियर, कश्मीरी डियर, लॉयन टेल मैक्यू, बैबून है ना, टोर्टोइस, गोल्डन पिग्स, वाइल्ड डंकी, गोल्डन कैट्स, हिस्पिड हेयर, मालबार, स्पॉटेड सीवर्ट्स, एशियाटिक लॉयंस, टाइगर्स है ना, स्नो लेपर्ड, इंडियन राइनो, पाइगमी होग, मैंगुल, स्वैम डियर, वाटर एशियाटिक वाटर बफेलो, मणिपुर डियर, वेस्टर्न ट्रैगोपन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, इसी के इससे अलग है एस्टुरीन क्रोकोडाइल, सकिंग लोज और वाइट बियर। ये सभी क्या हैं? एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं इंडिया के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी भी इनको सेव किया जा सकता है अगर हम इन पर थोड़ा ध्यान दें। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इन्वायरमेंटल साइंस की बहुत सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस प्लेलिस्ट के नाम से। और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड भी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।